हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे एक बेकिंग पाउडर के बारे में। क्या होता है बेकिंग पाउडर, इसका क्या रोल है और क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, विल इट मेक एनी ह्यूज डिफरेंस और नॉट। सो यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो गाइस, द प्रोडक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस मेकअप रेवोल्यूशन का ये बनाना पाउडर है। दिस इज लग्जरी बेकिंग पाउडर इन बनाना। इसमें और भी शेड्स आपको मिलते हैं। आई हैव टेकन दिस बनाना। ये काफी सारी टोन्स के साथ मैच कर जाता है। इट्स लाइक मोर ऑफ अ नेचुरल शेड एंड यू कैन बाय इट फॉर अ लॉट ऑफ टोन्स। आप इसे यूज कर सकते हो। सो गाइज, वॉट इज द पर्पज ऑफ दिस बेकिंग पाउडर? बेसिकली बेकिंग पाउडर का क्या रोल होता है, जैसे कि हमारे पास कॉम्पैक्ट होता है, हम कॉम्पैक्ट यूज करते हैं टू ड्राई आउट द स्किन, और या फिर जितना भी हमने फाउंडेशन लगाया उसके बाद वी वॉन्ट टू अब्सॉर्ब द एक्स्ट्रा ऑयल फ्रॉम अ स्किन, सो दैट वो ज्यादा क्रीसिस ना फॉर्म हो या फिर लाइन्स ना फॉर्म हो, पसीने ना आए, लॉक इन हो जाए, सब कुछ सेटिंग हो जाए। बेसिकली जो आपने जो फाउंडेशन लगाया है वो सेट कर दें हम उसे बाय अब्सॉर्बिंग द एक्स्ट्रा ऑयल फ्रॉम द फाउंडेशन और द कंसीलर और एनी प्रोडक्ट दैट वी हैव अप्लाइड ऑन आर फेस। सो यस, बेकिंग पाउडर का क्या रोल होता है, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये देखिए, इस तरीके से लगता है। ये देखो, इस तरीके से लगता है। दिस इज वेरी थिन टेक्स्चर। इसका जो टेक्स्चर है देखो, बहुत थिन टेक्स्चर होता है। इट जस्ट यू नो ग्लाइड्स इनटू योर स्किन, बिल्कुल ग्लाइड हो जाता है। इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, ऐसे चॉक पाउडर जैसा लगता है ये। सो देखो, बिल्कुल ग्लाइडिंग हो जाता है, बिल्कुल ग्लाइडिंग। अगर आप इसको अप्लाई करते हो स्किन पर तो ये बहुत ही स्मूथ, बिल्कुल इसके माइन्यूट पार्टिकल्स की वजह से ये स्किन में बहुत सीमलेसली सेटल हो जाता है। मतलब इट डजंट गिव यू अ केकी लुक, विच इज वेरी गुड। क्योंकि जब आप कॉम्पैक्ट अप्लाई करते हो, कॉम्पैक्ट को भी आप अप्लाई कर सकते हो टू सेट इन योर फाउंडेशन अंडर योर आईज, चिन, नोज एंड एवरीवेयर द टी जोन, बट वो थोड़ा उनके जो ग्रैन्यूल होता है वो ज्यादा थिक होते हैं। इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना वो इतने थिन होते हैं, इट जस्ट सेटल्स इनटू योर स्किन सीमलेसली एंड पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ करा है। एंड ये एक्स्ट्रा ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द फाउंडेशन, कंसीलर और एनी प्रोडक्ट ऑन योर फेस। सो यस, बेकिंग पाउडर का ये रोल होता है। जैसे ये वाला जो कलर है बेकिंग पाउडर का, द बनाना शेड, इज वेरी गुड अगर आपकी रेडनेस होती है और रेड टोन्स के लिए बहुत ही अच्छा शेड है ये वाला। सो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो मुझे ये वाली चीज जो बेकिंग पाउडर, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है टू सेटल इन माई मेकअप एज कम्पेयर टू एनी कॉम्पैक्ट और एनी अदर पाउडर। बेकिंग पाउडर फिनिशिंग पाउडर भी होते हैं, बट फिनिशिंग पाउडर थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनमें ट्रांसलूसेंस होता है, कुछ होता है। ये बिल्कुल विदाउट शीन है। दिस लाइक मोर ऑफ अ मैट पाउडर, इट हैज नो शीन टू इट। बहुत ही मतलब इट्स लाइक इनविजिबल टाइप सेटल हो जाता है। सो यस गाइस, मैं इस प्रोडक्ट को काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये वाला प्रोडक्ट। एंड मैंने बहुत सारी मेकअप लुक्स करी हैं वेयर आई यूज्ड दिस बनाना पाउडर एज माय बेकिंग पाउडर, एंड आई एम गोइंग टू शेयर द ट्यूटोरियल ऑफ ऑल दोज वीडियोज वेयर आई यूज दिस बेकिंग पाउडर। सो यू विल गेट एन आइडिया कि कितना कैसा लग रहा है एंड एवरीथिंग। सो येस, आई एम गोइंग टू कीप द लिंक ऑफ ऑल द मेकअप ट्यूटोरियल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अभी मैंने आपको दिखाया, देखो पूरा अब्सॉर्ब हो गया, पता भी नहीं चलता। सो इट्स जस्ट पता भी नहीं चलता, देखो पूरा एकदम सेटल इन हो जाता है, देखो सेटल इन हो गया बिल्कुल। इट इज, सो यस गाइस, इट इज रियली गुड, इट्स वर्थ बाइंग। द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट एमआरपी इसका 850 रुपीज है एंड मुझे भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई खास डिस्काउंट नहीं मिला था। आई थिंक 30-40 रुपीज का ही डिस्काउंट मिला था। ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट में नहीं मिलते, तो जब भी कभी आपको डिस्काउंट मिलता है आप ले सकते हो। आई एम गोइंग टू कीप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो यस, जब भी आपको डिस्काउंट मिलता है आप ले लेना, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। क्वांटिटी इज लाइक 42 ग्राम क्वांटिटी है, विच इज लाइक टू मच। सो यस, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस एंड इट्स गोइंग टू मेक योर मेकअप लुक वेरी फ्लॉलेस and very good. So yes, I think you should invest in this. It's a go product, must buy. मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये product, बहुत ज्यादा अच्छा। So yes, hope guys you like this review and hope आपकी purchasing में ये आपको help करता है। And yes, stay tuned with me for many other reviews, DIYs, beauty tutorial, makeup tutorials and everything. I'm going to keep the link of this tutorial also in the description box below along with the jewelry and the kurta. Hope you like this video. Hope it helps. Thank you so much for watching. Thank you so much for taking out time. If you really like my content, please do share it. Please, please, please. It would be of great help. That would mean a lot to me. Thank you so much. Bye-bye.